हमने इस तरह की फट्टी लेनी है और इसके ऊपर हमने इस तरह बनाना है। आपने माशाल्लाह से आप देखें, अब हमने डालना है इसके ऊपर नीरू। तो नीरू टैंक ठीक करना सीख सके। आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पीछे आपको टैंक नजर आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी कहाँ कहाँ से लीक हो रहा है। तो आप देखें, ये दीवारों से जो है ना पानी रिस रहा है। ये वाली दीवारें देखो, जगह जगह से पानी लीक हो रहा है। ये हालांकि RCC है, RCC टैंक है, कोई ब्लॉक का नहीं बना हुआ, पक्का RCC बना हुआ है। देखें यहाँ से भी पानी आ रहा है, और अगर इधर से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से भी थोड़ी थोड़ी नमी आ रही है। तो हम इसको ठीक करेंगे। इसके अंदर का भी आपको नज़ारा दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर पानी है, पानी खाली हो रहा है। पानी खाली होने के बाद हम इसकी करेंगे चिपिंग, पूरे टैंक की चिपिंग करने के बाद फिर हम इसके साथ क्या प्रोसेस करते हैं आप भाइयों को दिखाता हूँ। हाँ, तो व्यूअर पानी हमारा निकल चुका है, तो अब हम करने वाले हैं इसकी चिपिंग। जिस तरह हमने ये आप देख रहे हैं ना, ये हमने चिपिंग की है, इसी तरह हम पूरी टैंकी में चिपिंग करेंगे। हमारे टैंक की चिपिंग हो चुकी है, तो अभी हमें जो है ना इसको ये वाले पाइप इसके साफ करने हैं, क्योंकि ये पाइप के ऊपर जंग लगा हुआ है। तो इनको हम कर लेंगे छीनी हथौड़े से बिल्कुल साफ, क्योंकि जब हम प्लास्टर करें तो इसके साथ सही चिपके, दोबारा से ऐसा ना हो कि इन पाइपों की वजह से ही हमारा वाटर टैंक लीक हो जाए। देखें ये पाइप गले में, यहाँ हमने इनको कहा कि ये नए लगवा लो, लेकिन ये कह रहे हैं इन्हीं को चला दो। लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि इनको पाइपों को, अगर लोहे के पाइप लगे गल चुके हैं ना, तो इनको चेंज करा लिया करें, क्योंकि इन पाइप की वजह से ही हमारा जो वाटर टैंक होता है ना वो लीक हो सकता है। इसी तरह हम इसको छीनी हथौड़े से साफ कर लेंगे। जो हमने माल बनाना है ना प्लास्टर का, दो ट्राली में एक बोरी डालनी है। दो से तीन दफा आप इसको कल्टी लगाएं कि आपकी मिक्सिंग बिल्कुल सही हो सके। नीरू आपने गाढ़ा रखना है, और आपने तीन ही से पानी और एक हिस्सा आपने SBR का रखना है। नीरू को मिक्स करने के बाद ना आपने ये वाला SBR इसके अंदर मिक्स कर लेना है। SBR डालने के बाद इस डंडे की मदद से हम इसको हिला के सही तरीके मिक्स कर लेंगे। पाइप साफ करने के बाद आपने दीवार के ऊपर झाड़ू मार लेना है, आपने पूरी दीवार पे नीरू मार लेना है। नीरू ऐसे तरीके से आपने मारना है कि इसकी दीवार का कोई खला ना रहे, सब खला फिल हो जाए। दीवार पे ज्यादा और नीचे नीरू कम आना चाहिए। हमने दो दीवारों पे नीरू लगा दिया है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने लगानी है छाप। अच्छा, आपने एक चीज का खास ख्याल रखना होता है, अगर आप छाप लगाते हैं ना, तो अगर आप टैंकी कर रहे हैं तो उस पर आपने कम से कम 1.25 इंच माल लगाना होता है, क्योंकि मोटा हमारा प्लास्टर होगा तो हमारा जो टैंक है ना वो लीकेज से बचेगा। अगर फिर से आपने पतला प्लास्टर कर दिया तो दोबारा हमारा जो टैंक है वो लीक हो सकता है। छाप आपने इस तरह लगानी है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप पूरी टैंकी की दीवारों पे छाप लगा लेंगे। और माल आपने भुरभुरा रखना होता है, नरम माल नहीं रखना। अगर आप नरम माल रखेंगे तो दोबारा जब इसके ऊपर आप नीरू चढ़ाएंगे ना, तो दीवार आपकी तार हो जाएगी और प्लास्टर आपका स्लिप मारने लग जाएगा। छाप मारने के बाद हम फट्टी लगा लेंगे। फट्टी आपने इस तरह लगानी है कि ना आपने अंदर दबा देनी है, ना आपने ज्यादा भार रखनी है। अच्छा, दीवार के ऊपर हमने डेढ़ मारा था तो थोड़ी सी दीवार हमारी सूख गई थी, तो अब हम ब्रश के साथ इस पे हल्का हल्का पानी मारेंगे, तगारी के साथ नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर आप तगारी के साथ पानी मारेंगे ना तो फिर दोबारा से ज्यादा तर हो जाएगी। हमने मारना है डेढ़ फिट्टा, तो डेढ़ फिट्टे को आपने इसी तरह पकड़ना है बिल्कुल सीधा, और इसी तरह आपने चलाना है। इस तरह ऊपर नीचे करेंगे, और आपने ऐसे टेपर नहीं करना, यूं करके नहीं चलाना, ऐसे टेपर भी नहीं करना, सीधा रखना है। और आपका जो प्लास्टर है ना वो प्रेस होता जाएगा, ऑटोमेटिक आपका प्लास्टर सीधा होता जाएगा। अच्छा, अब हमने बनाना है गोला। गोले की चौड़ाई आपने रखनी है 5 से 6 इंच, और इस तरह आपने माल चढ़ा देना है। पीछे के हिस्से कम से कम आपका 1.5 से 1.25 इंच माल आना चाहिए पीछे वाली साइड पे, क्योंकि जो हमारा वाटर टैंक होता है ना इसको गोला ही रोकता है। गोला अगर आप सही बना देंगे तो आपकी टैंकी जो है ना वो दोबारा लीक नहीं होगी। अगर आपने गोला ही नहीं बनाया तो इन कच्चों की वजह से आपकी टैंकी दोबारा लीक हो जाती है। जैसे हमने सफाई से बनाया। हाँ, तो व्यूअर माशाल्लाह से हमारा कच्चा तकरीबन पूरा हो गया है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए दीवारें, तो तकरीबन हमारा कच्चा हो गया। अब हम लगाने वाले नीरू। तो नीरू कैसे लगाया जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और समझना आपको जरूरी है।
हमने करना क्या है, नीरू जो हमने बनाया ना वो है हमारा गाढ़ा एसबीआर हमने इसके अंदर डाला हुआ है। जो हमने दीवारों पे नीरू मारा था ना उसकी निस्बत ये वाला नीरू हमारा गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर हम पतला नीरू मारेंगे ना तो वो नीचे स्लिप होता जाएगा और हमारी जो दीवार है दीवार के ऊपर रुकेगा नहीं, फायदा भी कोई नहीं होगा नीरू मारने का। तो इस तरह हमने करंडी के साथ पहले हमने एक दफा नीरू मारना है, फिर हम गिरमाला मारेंगे, फिर हम चेक करेंगे जिस जगह पे खला होगा उस जगह पे हम डबल नीरू मारेंगे एक हाथ मारने के बाद। हाँ तो विवाह नीरू हमारा लग चुका है, अब हमने क्या करना है, गिरमाला मारना है इसको हम नीचे से ऊपर खींचेंगे इसी तरह पूरी दीवार पे, क्योंकि पहली दफा जो हमने नीरू लगाया ना इसको हम नीचे से ऊपर खींचेंगे और इसके अंदर अगर कुछ थोड़ा सा खला रह गया ना, कोई गैप रह गया तो वो भी हमारा फिल हो जाएगा। फाइनली विवाह हमारी दीवारें तैयार हो चुकी हैं, आप देखे हैं कितनी सफाई से की है, और जो गोले है ना सिर्फ गोले को हमने प्लास्टिक मारना है कच्छू में कि हमारी फिनिशिंग और अच्छी हो सके। और जो हमारी ये पाइप नजर आ रही है पाइप के अंदर भी हम प्लास्टिक मार के इसकी गुलाई बना लेंगे कि यहाँ से हमारा पानी लीक ना हो। तो अब हम फर्श का माल बना रहे हैं मिकेस, यानी कि मोटे माल से हम फर्श डालेंगे और उस माल को बनाया जा रहा है, और माल हम भुरभुरा रखेंगे क्योंकि हमारी टैंकी जो है ना वो तर रहे, तो अगर हम नरम माल डालेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, अगर हम भुरभुरा माल बनाएंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी और काम हमारा बिल्कुल प्रॉपर और सही हो जाएगा। अब हम करने वाले हैं फर्श की तैयारी, तो फर्श पे सबसे पहले तो हम नीरू मार लेंगे, जैसे हमने दीवारों पे नीरू मारा था ना उसी तरह हम फर्श पे भी मारेंगे, क्योंकि हम माल जब डालेंगे तो हमारा माल नीचे पकड़ करे, अगर हम नीरू नहीं मारेंगे इसी तरह इसके ऊपर पानी मार के ही माल डाल देंगे तो हमारा वो माल जो है ना वो पकड़ नहीं करेगा और दोबारा से हमारी टैंकी लीक हो जाएगी। क्योंकि काम करके समझना और समझ के करने में जमीन आसमान का फर्क है, आप जब भी काम करें समझ के करें, तरीके से करें, चाहे आपको देर क्यों ना हो जाए। हाँ तो फाइनली व्यूअर हमारे पूरे टैंक पे नीरू लग चुका है, तो अब हम डालने वाले हैं माल। पूरी टैंकी पे हम इस तरह माल बिछा लेंगे, उसके बाद हम इस फट्टी से इसको सीधा करेंगे। हाँ तो व्यूअर हमने माल फैला लिया, उसके बाद हमने इस तरह की फट्टी लेनी है और इसके ऊपर हमने इसको मार के ना फट्टी लगा के इसको सीधा कर लेना है, जो हमारे खड्डे वगैरह हैं सब हम बंद कर देंगे। विवर अब हमने गोले बनाने शुरू कर दिए हैं, इस तरह आपने भी गोला बनाना है जैसे हम बना रहे हैं, इस तरह आपने फिनिश भी करते हुए आना है। हाँ तो विवर हमने गोले बना लिए थे, अब हमने डालना है इसके ऊपर नीरू। तो नीरू डालने का तरीका क्या होता है कि आपने सबसे पहले गोले पे डालना है, तो डालना किस तरह, इस तरह आपने तगारी जैसे नीरू तगारी में होगा इस तरह आपने ऊपर को करना है और ऐसे आपने गिड़माला मारना है, इससे क्या होगा कि हमारा नीरू जो है ना सही तरीके लगता जाएगा गोले पे। फिर हम उसके बाद इसको ऐसे फैलाते जाएंगे, नीरू हम फर्श पे दो दफा में डालेंगे, एक दफा जब डालेंगे ना तो सही फिनिशिंग नहीं आएगी, जब हम दूसरी दफा डालेंगे तो इसकी फिनिशिंग बेहतरीन होगी, और दो से तीन हाथ इस पे लगेंगे, जब तक हम हाथ लगाते रहेंगे इस पे जब तक ये हमारा फर्श सूखेगा नहीं, जैसे हमने दीवारों पे डेढ़ दो घंटे गड़माला लगाया ना सुखाने के बाद छोड़ा है, उसी तरह हम फर्श पे भी गिरमाला मारेंगे और जब तक हमारा फर्श नहीं सूखेगा हम गिरमाला मारते रहेंगे, चाहे रात के एक क्यों ना बज जाए। माशाल्लाह से फाइनली व्यूअर हमारा जो टैंक है वो तैयार हो चुका है, आप देखें कितनी सफाई और फिनिशिंग से हमने काम किया है, दीवारों पे फिनिशिंग देखें, जो पाइप है उनकी फिनिशिंग देखें और फर्श की फिनिशिंग देखें माशाल्लाह।